कौन ऐसा पूछताछ है जो कि 30 घंटा में संपन्न नहीं हुआ? ये सत्ता में बैठे ये लोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी से आप 30 घंटे से पूछताछ करें, 30 महीने करें, लगातार जितना करना है करते रहें, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और मांग कर रही है कि आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए। 3 दिन का पूछताछ हुआ, क्या निर्णय निकला ये सार्वजनिक कीजिए ना जी, सार्वजनिक कीजिएगा नहीं, राहुल जी दोस्ती है, कहां से दोस्ती है बताइए देश की जनता को। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। बता दें आपको कि 3 दिन जो है पूछताछ राहुल गांधी से कर ली गई है, आज 4th दिन है और आज भी पूछताछ चलेगा, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि पूरे भारत देश में जो विरोध है वो किया जा रहा है लगातार, जिस तरीके से ईडी से पूछताछ ईडी जो कर रही है राहुल गांधी से, उसको लेकर लगातार बिहार में भी जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए राजभवन है, बिहार के राजभवन के पास मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम जो लोग हैं वो पहुँच गए हैं राजभवन में जाकर, विज्ञापन भी शॉपिंग, लेकिन फिलहाल तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। राजभवन पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए देश है बहुत परेशान है, यहाँ का युवा परेशान है, आम जनता परेशान है, चाहे वो कोरोना का समय हो या गिरती अर्थव्यवस्था हो। राहुल गांधी जी जिस तरह से मुखर रहे और इस विकास के दौर में जो व्यक्ति छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो लगातार आवाज़ उठाते रहे, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि कैसे चीन हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आया, तो ये सब परिस्थिति बनी रही और राहुल गांधी जी लगातार आवाज़ उठाते रहे, तो बजाय जनता की आवाज़ सुनकर उस पर फैसला लेने के, उस पर नीति बनाने के, ये सत्ता में बैठे ये लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी से आप 30 घंटे से पूछताछ करें, 30 महीने करें, लगातार जितना करना है करते रहें, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और मांग कर रही है कि आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए, ध्यान मत भटकाइए। अरे राहुल गांधी जी तो उस परिवार से अपना संबंध रखते हैं जिसका आज़ादी के इतिहास में और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में उसका अपना योगदान रहा है, राहुल जी को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पर जो एकजुट हुए हैं और जिस मुद्दे को मुद्दा बना करके इस तरह का जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड का तो अपना योगदान है देश की आज़ादी में, तो ये संविधान को बदलने की और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की ये केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार की ये कोशिश है, उसी के खिलाफ आज हम यहाँ पर एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं हम केंद्र सरकार से कि आप तत्काल माफ़ी मांगें अपने कुकृत्य के लिए, देश की जनता से और हमारे नेता राहुल गांधी जी से। लगातार पूछताछ हो रही है, आज भी पूछताछ होगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहना है, ऐसा कोई मामला नहीं है, जो समाचार पत्रों में जिस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं उसे स्पष्ट हो गया है कि ये जो पूरा जो मुद्दा बनाया जा रहा है केवल और केवल विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए, दबाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये जो देश है संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो केंद्र सरकार, इनके दिन पूरे हो गए हैं, भाजपा सरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए इनकी बुद्धि विपरीत चल रही है। अब तय हो गया है कि आने वाले चुनाव में इनको आम जनता और देश की युवा इनको उखाड़ करके बाहर फेंकने वाले। और भी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे, राजभवन पहुंचे हैं, विज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग, लगातार ईडी के तरफ से पूछताछ की जा रही है, क्या करें? देखिए सरकार अंग्रेजों द्वारा रोलेक्ट एक्ट पे काम कर रही है, बिना किसी FIR का हमारे नेता राहुल गांधी से लगातार 10-10 घंटे 20-20 घंटे पूछताछ की जा रही है, कहां से न्यायपूर्ण है? हमारे कांग्रेस के नेताओं, सांसदों, पूर्व मंत्री और हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय KC वेणुगोपाल पर जानलेवा हमला किया गया, हमारे कांग्रेस कार्यालय में घुसकर कांग्रेस के नेताओं को मारा गया, इससे पूरा देश का कांग्रेस निंदनीय है, शर्मसार हो रहा है। और आज देश में जैसे आप पार्लियामेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा पे आप जानलेवा हमला कर रहे हैं, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कपड़े फाड़ रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्या 3 दिन का पूछताछ हुआ, क्या निर्णय निकला ये सार्वजनिक कीजिए ना जी, सार्वजनिक कीजिएगा नहीं, राहुल जी दोस्ती है, कहां से दोस्ती है बताइए देश की जनता को। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। देखिए हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास जी को दोनों हाथों पर डालकर गाड़ी में फेंका जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साड़ी तक उनका फाड़ दिया गया, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, बिना किसी FIR का हमारे नेता पर पूछताछ करना, जाँच करना, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं। 3 दिन जाँच पूछताछ किए ना भाई, क्या निर्णय निकला, क्या निष्कर्ष निकला वो बताइए देश की जनता को, प्रकाशित करने का काम कीजिए, लेकिन हम लोग कुछ बता नहीं रहे क्योंकि उनको दबाने का काम हुआ है। हमारा इतिहास रहा लड़ने का, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे।
कुछ कार्यकर्ता हैं ऐसा कह रहे हैं कि मारने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी को जानलेवा हमला किया गया। हमारे राहुल जी को लगातार 30-30 घंटे पूछताछ के ना बिना पानी बिना चाय का पूछताछ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मारने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बिहार के राजभवन पहुंचे हैं और विज्ञापन सौंपेंगे। कहीं ना कहीं यह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर कि उन्हीं के तरफ से ईडी का जांच जो है वो करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए, मदन मोहन झा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पहुंचे हैं। तमाम लोग भी हैं, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। देख सकते किस तरीके से मदन मोहन झा हैं या फिर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मौजूद है। देखिए, राजभवन पहुंचे, उनसे बात करेंगे मदन मोहन झा जी से। हम रुक ना यार, मोबाइल से हम लोग को कुछ राजभवन में हम लोग को आगे आगे जाइए आगे जाइए मेमोरेंडम देना और हम लोग राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देंगे और इनके मार्फत से महामहिम राज्यपाल जी को देंगे, जो राष्ट्रपति जी को हम लोग का मेमोरेंडम पहुँचा दें। और ये जो देश में लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर अविलंब संज्ञान लें। देखिए, बीजेपी कह रही है कि अगर पूछताछ होती है किसी मामले में तो पूछताछ होने देना चाहिए, उसमें इतना विरोध क्यों? कहाँ, हम तो यही ना कह, 4 दिन 3 दिन पूछताछ कर चुके हैं। कौन ऐसा पूछताछ है जो कि 30 घंटा में सम्पन्न नहीं हुआ? एक माने होगा ना, 1 2 3 4 राहुल गांधी समझते हैं जो सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए उनके जो वर्कर हैं लाखों के तादाद में, जो उनके समर्थक हैं उनको डिमोरलाइज करने के लिए, साथ ही विरोधी दल के जो लोग हैं आज, जो लोग मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी धमकाने के लिए इस तरह का संज्ञान लिया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। हम फौजी मस्ताना हैं, जिंदाबाद, हम फौजी मस्ताना हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तैना सही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मदन मोहन झा, वो भी पहुंचे हैं और विज्ञापन सौंपेंगे। बता दें आपको कि लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है और मदन मोहन झा ने यह साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी को डिमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। वहीं ईडी से लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रहा है उसको लेकर लगातार कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता वो विरोध कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, किस कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा गया है। लगातार पूरे भारत देश में विरोध हो रहा है और बिहार में भी जो विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, राजभवन तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुँचे हैं और कुछ ही क्षण में जाके राज्यपाल जो हैं बिहार के फाल्गु चौहान उनसे मिलेंगे और उनको जाके विज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं मदन मोहन झा और भी तमाम जो कार्यकर्ता वो क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।